शारीरिक संबंध बनाने से मना करना महंगा पड़ गया पत्नी को। पति ने गला दबाकर कर दी हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। कोटा क्षेत्र में एक गांव में पति ने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। कोटा थाना से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खैरा झीटी में अपने मामा ससुर के यहाँ मकान में अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में रह रहा था। अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था, लेकिन पत्नी बार बार मना कर रही थी। इसी बात पर दोनों का विवाद हुआ और आरोपी पति के चेहरे में चोट लग गई, जिससे वह अपना आपा खो बैठा और अपनी पत्नी कमलेश्वरी दिवाकर, पति ममतेश दिवाकर उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम खमरिया भाटापाड़ा जिला बलौदा बाजार को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी धर्मेंद्र कुमार भास्कर ने कोटा थाना को दी, जिसके बाद कोटा पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और लोगों के बयान पर मृतिका के पति ममतेश दिवाकर को थाना लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध घटित करना स्वीकार कर लिया। कोटा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सर, आज जो घटना हुई है, आज सुबह की बात है कि जो गोलू दिनकर ममतेश दिनकर से जो जाने जाते हैं, उन्होंने सुबह अपनी पत्नी का गला घोट कर हत्या कर दी। उनकी पत्नी का नाम कमलेश्वरी दिनकर है, वो अपने मायके में थे जब ये हादसा हुआ। गला घोटने का कारण अभी विवेचना में है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उनके जो हम लोग जहाँ इन्वेस्टिगेशन किए, तो वहाँ पर कुछ चीजें हमें बरामद हुई है, तो वो मेडिकल टीम अगर उसके ऊपर जब अपना ओपिनियन दे देंगे तब क्लियर आ जाएगा कि क्या रीजन था। वो उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसकी वजह से उन्होंने उनको गला घोट कर मारा और उसके बाद खुद फांसी लगाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी जो बुआ है वो उन्होंने देख लिया और उनको फांसी लगाने से रोक लिया। सर, ये आरोपी कहाँ पर रहने वाले हैं? सर, आरोपी जहाँ तक मुझे लग रहा है कमरिया के रहने वाले हैं, भाटापारा या कमरिया। तो सर, ये कब तक जांच में आ जाएगा? कि मेडिकल रिपोर्ट जब तक आ जाए एक दो दिन में पता चल जाएगा। तो अभी आरोपी कहाँ है? अभी आरोपी को अरेस्ट किया गया। कोटा से जितेंद्र भास्कर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं हूँ नेहा सिंह। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यूं ही छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।